शराब ठेके के विरोध में पिछले 6 दिनों से सोहल पंचायत के बाशिंदे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शराब ठेके के 7 83 घरों के होने के कारण लोगों ने शराब ठेके को बंद करने की जोरदार मांग की है। पंचायत के बाशिंदों ने 6 दिनों से शराब ठेके के बाहर रात दिन धरना दे रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन को चेताया है कि अगर ठेका सोहल में खुलता है तो चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। शराब ठेके के बाहर धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि अगर सरकार नहीं मानती है तो लोग सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। महिलाओं का कहना है कि शराब पीकर लोग घरों के आसपास हुड़दंग मचाते हैं और जिस कारण हर कोई परेशानी में है। लोगों ने बताया कि गांव के सभी बाशिंदे ठेके के बाहर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं ताकि ठेका ना खुल सके। उन्होंने कहा कि पंचायत द्वारा भी कई सालों से मांग की जा रही है कि इस ठेके को बंद किया जाए, लेकिन कोई कार्यवाही ही नहीं की गई है, जिस कारण लोगों को अब ठेके के बाहर धरना देना पड़ रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हर साल कहती है ये सब कि हम लोग हमेशा ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। यही ऑब्जेक्शन दिया जाता अगले साल ऐसे ही इनके 15 साल बीत गए तो क्या है। लेडीज के लिए कितनी प्रॉब्लम है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर के घर खाली हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की गंदी आदतें फिर तो बर्बादी होगी ना है। तो इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेडीज की है, औरतों की है। जो औरतें यहाँ से जा नहीं सकती है, आ नहीं सकती है, पी के आपको मालूम है कि आदमी होश में नहीं रहता है, उसको गंदी गालियां आती है, गंदा बोलना आता है, छेड़छाड़ करनी आती है, तो ये कहाँ सहन करेंगी, कितने दिन सहन करेंगी औरतें, ठीक है ना है। तो इसका समाधान गवर्नमेंट को निकालना है। बड़े बड़े ऑफिसर खाली आते क्यों, खाली वोट लेने। हाँ करेंगे, बस तुम्हारी सुनवाई करेंगे, तुम्हारी सुनवाई कुछ नहीं होती है, हैं? तो भुगतना किसको पड़ता है आगे के लिए। अब ये क्या करेंगे, अगर ये सुनवाई नहीं हुई, इनकी सुनवाई नहीं हुई, सभी महिलाएं ऐसे रही रात रात भर उधर बैठी रही, खाना नहीं खाती है, टाइम से जाती नहीं, इनके बाल बच्चे भी है, घर में पशु भी हैं, पक्षी भी है, खेती बाड़ी भी है, लेकिन इन्हें छोड़ के इधर बैठे क्यों बैठे हैं, इनको तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है इनको। तो इसलिए इसका समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए, वरना आगे और बड़ा स्टेप लेने वाली है औरतें, समझे ना, हम आगे तक जाएंगी। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा कौन सा कानून है जो इतनी देर लग जाएगी। हमारे लिए मामूली लोगों के लिए इतना बड़ा लंबा कानून चलता है, आज नहीं सालों साल चलता रहता है। पंचायत सवाल की सभी महिलाएं इस वक्त रोड पे खड़े हैं और रात दिन भूखे प्यासे यहाँ अपने बच्चों को घर परिवार को छोड़ के यहाँ ठेके के लिए बंद करवाने के लिए बैठे हुए हैं। और डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट थी 2-3 दिन हम वहाँ पे जाते रहे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम दो तीन दिन में शिमला से जवाब आएगा, तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि ठेके को हम जल्दी से जल्दी बंद करवाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सारी महिलाएं मतलब रोड शो के लिए और मतलब यहाँ पे भूख हड़ताल पे चक्का जाम करेंगे और भूख हड़ताल पे भी हम बैठ सकते हैं। हम बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि हमारी सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि हमने अपने MLA को, BDC को और जिला परिषद को भी इन बातों के लिए अगवा किया है, लेकिन उन्होंने भी आज तक हमारे लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, ना वो हमारे लिए यहाँ पे आए। DC साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जैसे ही शिमला से रिपोर्ट आएगी तो जो भी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर ही कार्रवाई होगी। अभी तक शिमला से कोई रिपोर्ट नहीं आई और जैसे भी शिमला से अगर रिपोर्ट गलत रिपोर्ट आती है कि ठेका खुलेगा, तो इस ठेके के विरोध में हम लोग चक्का जाम भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे, और जो भी सबसे ज़्यादा स्टेप होगा उसके लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। और मैं सवाल पंचायत प्रधान एक औरतों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, क्योंकि इन्हीं औरतों की वजह से संसार चलता है और इनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। BDC हूँ और यहाँ पर सभी औरतें बोल रही हैं कि ठेका बंद होना चाहिए, तो मैं भी इनके साथ में हूँ। मैं अपनी सरकार का ध्यान महिलाओं की तरफ मोड़ना चाहती हूँ कि सरकार कहती है कि तरह तरह के जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं और स्पेशली महिलाओं के लिए लगाए जा रहे हैं कि महिला जागरूक हो और महिला जो है अपने ऊपर अत्याचार ना सहे, इस तरह के तरह तरह कैंप लगाए जा रहे हैं। और महिलाओं को ये कहा जा रहा है कि आप हर कैंप में आओ और हर जानकारी लो और आप जो है अपने ऊपर हो रहे अत्याचार पे आवाज उठाओ। तो जब हम इस शराब के ठेके को बंद करने के लिए सारी महिला एकत्रित होके सबने ये हिम्मत जुटाई है और उन कैंपों का हमारे ऊपर असर हुआ है कि हम लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, तो आज सरकार कहाँ है, आज वो हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रही है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आइंदा कोई भी महिला आपकी जो जागरूकता शिविर लगते हैं उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है
और जब हम प्रैक्टिकली यहाँ आए हैं तो हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो देते हैं वोट। हाँ जी, तो जब हमें ये कहा जाता है कि आपकी आवाज को अवश्य सुना जाएगा, तो आज 5 दिन हो गए हैं, हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि जब आप महिला को सशक्त करने के लिए तरह तरह के कैंप लगाते हैं, तो कृपा करके हमारी आवाज भी सुन ली जाए। गौरतलब है कि सोहल पंचायत के ठेके का बंद करने की मांग को लेकर महिला मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिला था और ठेके को बंद करने की मांग की थी। वहीं जल्द कार्यवाही न होने पर अब सोहल वासियों ने सर्वसहमति के साथ चक्का जाम करने का निर्णय लिया है।